नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi 9 Prime पर चार्जिंग स्लो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए आपके जो चार्जिंग है काफ़ी ज़्यादा स्लो है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके डिवाइस पर जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन मान लीजिए आपका जो चार्जिंग है वो स्लो आ रहा है, तो कैसे इसको फिक्स करना है, ठीक है। तो अगर दोस्तों Redmi आपको भी फिक्स करना है प्रॉब्लम, तो इस वीडियो को आप यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं और दोस्तों Redmi अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लीजिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, सारे साथ मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपका जो चार्जिंग है ठीक है वो स्लो है काफी ज्यादा, तो दोस्तों आप घर के एक बार वोल्टेज को भी चेक करके देखिए, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होते हैं, हम लो वोल्टेज पर अपना जो डिवाइस है उसको चार्ज कर देते हैं तो उसके बाद ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसमें से प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ Redmi MI, तो आप चाहे तो दोस्तों अपना चार्जर को बदल के देख सकते हैं, ठीक है, ओरिजिनल चार्जर यूज करके देखिए, एडेप्टर फास्ट चार्जिंग का लगा के देखिए, उससे आपका काम बन जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कई बार होता क्या है, चार्जिंग के जो एडेप्टर होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर चार्जिंग केबल पर प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है, उसको एक बार बदल के ओरिजिनल चार्जर जो है उसको यूज करके देखिए। यदि आप ओरिजिनल चार्जर यूज करते हैं, यदि आपके पास ओरिजिनल चार्जर ही है फिर भी स्लो है Redmi MI, तो दोस्तों आप डिवाइस को एक बार स्विच ऑफ करके चार्जिंग करने की कोशिश कीजिए, और चार्जिंग करते वक्त गेम वगैरह खेलना बंद कर दीजिए, ठीक है। और चार्जिंग करते वक्त आपका डिवाइस का जितना भी कनेक्शन है, ब्लूटूथ कनेक्शन, इंटरनेट, और यहाँ पर आपका नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क कोई बात नहीं, आपका वाईफाई कनेक्शंस, हॉटस्पॉट कनेक्शन, सिंक्रोनाइजिंग, ठीक है, सब कुछ आपको बंद कर देना है। उसके बाद आप चार्ज करके देखिए, ठीक है, फोन को यूज मत कीजिए और आपका जो भी इश्यू है वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, ठीक है। आप चार्जिंग को अच्छे से होने दीजिए, सारे साथ डिवाइस को रात में स्विच ऑफ करके रखिए, तो इस तरह का इश्यू जो होते हैं वो आप इस प्रकार से फिक्स कर सकते हैं। सारे साथ दोस्तों डिवाइस का जितने भी बैकग्राउंड है, एप्लीकेशन रनिंग पे है, उनको आप रिसेंट बटन पर से क्लियर कर दें, ठीक है, इस प्रकार से आपको क्लियर करना है। तो जितना भी एप्लीकेशन है पूरा क्लोज कर दीजिए, उसके बाद देखिएगा आपको कोई इश्यू कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। सारे साथ दोस्तों सेटिंग पर जाए, सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करने से भी इस तरह का जो इश्यू होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। और डिवाइस पर चेक करें, अगर कोई बैड एप्लीकेशन है तो उनको अनइंस्टॉल करें, ठीक है। बैड एप्लीकेशन वगैरह रहने से डिवाइस को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर फेस करना पड़ते, तो आपको दोस्तों उन्हें एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है। तो बैड एप्लीकेशन दोस्तों यदि आपको पता नहीं है तो वो एप्लीकेशंस जो है आप कोई भी अनइंस्टॉल, आई मीन कोई भी अननोन सोर्स से, ठीक है, इंस्टॉल करते तो वो सब बैड एप्लीकेशन ही है। तो आप दोस्तों एक बार ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है। तो उनके उसके बाद आप डिवाइस कैश को भी एक बार क्लियर करके देखिए। डिवाइस कैश क्लियर करने के लिए आपको अबाउट फ़ोन पर जाना है, स्टोरेज पर क्लिक करना है, और यहाँ पर कैश डेटा पर क्लिक करके डिवाइस का कैश को क्लियर कर देना है ओके करके। उसके बाद दोस्तों चेक करके देखिए, आपका चार्जिंग स्लो का इशू फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बाय एनी चांस इसके बाद भी प्रॉब्लम आते हैं तो दोस्तों हो सकते हैं आपके डिवाइस में ही प्रॉब्लम हो, या तो फिर आप सर्विस सेंटर पर जाके इसको फिक्स करें, या तो फिर किसी टेक्नीशियन के पास आप जाके फिक्स करवा सकते हैं, ठीक है। आपके पिन पे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो ऐसा जो है मेरे साथ भी हुआ है। तो चार्जिंग का प्रॉब्लम नहीं था, उस टाइम चार्जिंग स्लो हो रहा था, तो जब चेक करके देखा सर्विस सेंटर पे तो पिन ख़राब हुआ था, डिवाइस के अंदर के जो पिन होते हैं, ठीक है, प्लग का जो पिन होते हैं वो ख़राब हुआ था, तो उसके वजह से ये चार्जिंग स्लो हो रहा था। तो आपको भी दोस्तों हो सकते हैं ऐसा कुछ हुआ हो, तो आप वो सब एक बार करके देखिए, ठीक है। अगर चार्जिंग स्लो रहा, आप उसको जो है फोर्सफुली चार्ज करते रहते तो और भी ज़्यादा ख़राब होने की यहाँ पर सिचुएशन आ जाते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो पर उससे बस इतने, यदि आपको ये टिप्स और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।